जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन अंतर्गत जुलाई माह में कावर के दौरान सड़क पर हुई तोड़फोड़ में दर्ज मुकदमे की जांच कर रहे आशियाना चौकी पर तैनात दरोगा अभिनव देशपाल द्वारा इलाके के लोगों का तोड़फोड़ की घटना में शामिल होने का खौफ दिखाकर लोगों से जांच के नाम निकाले जाने के नाम पर 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति की मांग की गई। दरोगा से परेशान होकर पीड़ित लोगों द्वारा दरोगा का रिश्वत लेने संबंधी बातचीत का वीडियो बनाकर शिकायत के साथ SSP को सौंप दिया गया। SSP ने जाँच के बाद वीडियो के आधार पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देकर आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक क्या कहते हैं, दरोगा पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही, योजना में नाम निकालने का आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? ये थाना सिविल लाइन में एक अपराध संख्या 715/19 दर्ज कराया गया था, जिसमें एक वेचक उप निरीक्षक आशियाना चौकी क्षेत्र से थे अभिनव देशवाल, इनके द्वारा उस मुकदमे में 3 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उस पक्ष को धमकाया गया। उस पक्ष से 30,000 रुपये 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मांग की गई और उनको अदरवाइज जेल भेजने की धमकी दी। ये सूचना मुझे पता चली और मुझे उससे जुड़े कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए कल, जब तो मेरे द्वारा जाँच कराया गया, प्रथम दृष्टया सूचना सही पाई गई और इसी क्रम में थाना सिविल लाइन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की रेलेवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज करते हुए आज संबंधित उप निरीक्षक को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें शाम तक मेरे सामने सारी एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, तब उनके खिलाफ हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे। क्या मामला था जिसमें से लोगों के नाम निकालने की बात की? जो मुकदमा था कुछ दिन पहले वहाँ पर सड़क पर मारपीट और तोड़फोड़ का एक मुकदमा था, जिसमें जो स्थानीय गांव प्रेमनगर जो पड़ता है वहाँ के कुछ लोगों के नाम उसमें आए थे, तो अनुचित तरीके से दबाव पर आते हुए इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर उन लोगों को बचाना है तो हमको 10,000 रुपये के हिसाब से दीजिए, और इसके अच्छे साक्ष्य जब उपलब्ध कराए गए तो फिर ये इंक्वायरी में जो बातें सामने आई उसी के परिणाम स्वरूप ये आज मुकदमा लिखाया गया।